कुंज भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। जरायम की दुनिया में अतीक अपना रसूख इतना बुलंद कर चुका था कि उस तक लोग अपने मामले निपटाने के लिए पहुंचने लगे थे। उसी अतीक अशरफ की पुलिस कस्टडी में कॉलिन हॉस्पिटल के बाहर मौत हो जाती है, जिसका सीन रिक्रिएट किया गया और उसमें एक बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। अतीक अशरफ हत्याकांड सीन रिक्रिएशन में खुले राज, पुलिस ने की लापरवाही, माफियाओं को पड़ी जान गंवानी। अतीक के पास थे कई राज जिनका होना था पर्दाफाश। पुलिस की लापरवाही का हमलावरों ने उठाया फायदा, घेरा तोड़ माफिया ब्रदर्स को उतारा मौत के घाट। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ हत्याकांड लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर सीन रिक्रिएशन रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईटी रिपोर्ट में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, जिसमें कहा गया कि पुलिस कस्टडी रिमांड में जिन मानकों का पालन किया जाना था वो नहीं किया गया है। इसीलिए हमलावर लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य बड़ी आसानी से सुरक्षा का घेरा तोड़ते हुए माफिया ब्रदर्स तक पहुंच गए। तीनों शूटर केवल माफिया ब्रदर्स तक नहीं पहुंचे, पुलिस की लापरवाही ने बड़ी आसानी से अतीक और अशरफ को मौत की नींद सुला दी। माफिया ब्रदर्स अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ की हत्या लोगों के बीच सुर्खियों का मामला बना हुआ है। अतीक और अशरफ की हत्या में कैसे क्या कुछ लापरवाहियां बरती गई, कैसे ये दोनों तीनों हमलावर अतीक तक पहुंचे, इस मामले की तफ्तीश करने के लिए एसआईटी की टीम का गठन भी किया गया। एसआईटी की टीम पूरी घटनाक्रम को जानने के लिए, बारीकियां समझने के लिए सीन का रिक्रिएशन भी कराया गया। ये सीन रिक्रिएशन 20 अप्रैल को हुआ। ये सीन रिक्रिएशन उस स्थान पर हुआ था जहाँ पर अतीक और अशरफ की हत्या की गई थी, यानी कि प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल में। कॉल्विन अस्पताल में जिस तरीके से पूरा सीन रिक्रिएशन किया गया, दो लोगों को अतीक और अशरफ बनाकर पेश किया गया, इस दौरान मीडिया कर्मियों का भी रोल निभाया गया। इसी बीच पुलिस कर्मियों को भी वहां पर लाया गया कि ये समझा जाए कि घटनाक्रम में लापरवाहियां कैसे बढ़ती। अब आप कहेंगे सीन रिक्रिएशन क्यों हुआ? सीन रिक्रिएशन की वजह ये होती है कि एसआईटी इस पूरे मामले की जो तफ्तीश करती है उसमें कहां पर क्या कुछ बारीकियां होती हैं उसको परखने के लिए पूरा सीन रिक्रिएट किया जाता है। जैसे कि घटना में कैसे लापरवाहियां रहीं, घटना में शूटर वहां तक कैसे पहुंचे, घटना में क्या कुछ लापरवाहियां रहीं, उसके बाद ये पूरी रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो एक्सपर्ट हैं उनको सौंपी जाती है। एक्सपर्ट पूरे मामले की तफ्तीश करते हैं और पूरी रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसके बाद उसमें कार्रवाइयाँ होती हैं। फिलहाल अब इस मामले में पूरा सीन रिक्रिएट हो चुका है और लापरवाहियाँ भी सामने आ चुकी हैं कि आखिर कैसे पुलिस की जो लापरवाहियाँ रहीं वो सामने आई, क्योंकि पुलिस कस्टडी रिमांड में जो मानक रखे जाते हैं वो मानकों का भी पूरी तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके कारण ही तीनों हमलावर अतीक और अशरफ तक पहुंच गए और पुलिस का सुरक्षा घेरा जो था वो तोड़ करके अतीक और अशरफ को मौत की नींद सुला दी। फिलहाल जिस तरीके से इस मामले में 17 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया गया, तो वहीं आगे जो कार्रवाई है आखिर इसमें जिम्मेदार और कौन है, क्योंकि जिस तरीके से अतीक और अशरफ का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा था, इसमें ATS और STF भी लगी हुई थी, तो फिर आखिर क्यों मानकों का पालन नहीं किया गया। फिलहाल अब इसमें जो बड़ी कार्रवाई है वो किस पर होती है, क्योंकि इस मामले में आखिर अधिकारी मौके पर क्यों नहीं रहे, क्योंकि अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय होती है। आपको बता दें कि SIT ने प्रयागराज के कॉल्विन अस्पताल पहुंचकर 20 अप्रैल को माफिया ब्रदर्स हत्याकांड का पूरा सीन रिक्रिएशन किया था। इस दौरान पुलिस कर्मियों को अतीक अशरफ और मीडिया कर्मियों का रोल देकर पूरा घटनाक्रम दोहराया गया। सब कुछ
कुछ वैसे ही किया गया जैसे 15 अप्रैल को हुई हत्या के दिन हुआ था। बकायदा इसकी एसआईटी टीम की ओर से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई थी। लखनऊ से आई फॉरेंसिक टीम के सदस्यों के निर्देशन में सीन रिक्रिएट किया गया था। इसी मौके पर हुए घटनाक्रम के एक एक बिंदु की पूरी बारीकी से जानकारी जुटाई गई। अतीक और अशरफ के हत्याकांड मामले की आखिर कड़ी कहां से शुरू हुई, क्योंकि 24 फरवरी को जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, इस हत्याकांड में कुल टोटल 13 लोगों के शामिल होने की बात बताई जा रही थी, जिसमें 6 शूटरों का सामने आना तस्वीर में दिखाई दिया था, जबकि और जो शूटर थे वो बैकअप में थे। फिलहाल इस दौरान असद का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें असद गोली चलाता हुआ नजर आ रहा था। इस मामले में जब तूल पकड़ा तो इसमें 4 इनकाउंटर भी किए गए, जिसमें अरबाज, असद, गुलाम और उस्मान का इनकाउंटर हुआ। फिलहाल इस इनकाउंटर के बाद लोगों की निगाहें अतीक और अशरफ पर बनी हुई थी। फिलहाल जिस तरीके से इनकाउंटर हुए और अतीक और अशरफ का ISI कनेक्शन सामने आ रहा था, जिसके बाद उसकी जान को लगातार खतरा भी बना हुआ था। जब उसका कनेक्शन निकला और जो खतरा बन रहा था तो उसमें लापरवाहियां की गई, जिसके कारण अतीक और अशरफ का अंत भी हुआ और जो मामले की तफ्तीश की घड़ियां थी वो भी शांत होने लगी। इसी बीच कुछ चैट वायरल हुई और ऑडियो भी वायरल हुआ, उसके आधार पर जो पुलिस थी पुलिस ने लोगों को हिरासत में लेना शुरू किया और मामले की तफ्तीश भी तेज कर दी। लेकिन सवाल बना हुआ है कि अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे राज क्या है, क्योंकि पुलिस ने लवलेस, सनी और अरुण को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उनके पास जिगाना पिस्टल आई तो आई कहां से। फिलहाल जिस तरीके से जो खुलासे किए जा रहे हैं, पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि कानपुर का बाबर था जिससे सनी ने ये पिस्टलें ली थी, लेकिन जो पिस्टल की कीमत है वो कीमत 1-2 लाख नहीं बल्कि 7-8 लाख की है। तो आखिर इतनी अधिक कीमत की पिस्टल उन तक पहुंची तो पहुंची कैसे, क्योंकि इनका आका कोई और है। इनके पास जो घर की स्थिति है उस स्थिति को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके पास इतनी रकम भी नहीं होगी। फिलहाल इस हत्याकांड के पीछे वजह क्या है, इस मामले की जांच करने के लिए SIT भी गठित है और न्याय आयोग भी गठित है, जो 1 माह में पूरी रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल इस हत्याकांड के पीछे क्या कुछ राज हैं, इसको जानने के लिए लोग भी इस घटनाक्रम को लगातार दोहरा रहे हैं और सभी की जुबानों पर अतीक और अशरफ का नाम गूंज रहा है। फिलहाल इस हत्याकांड में क्या कुछ राज खुलते हैं, इस पर सभी की निगाहें हैं। फिलहाल SIT की टीम जो रिपोर्ट तैयार कर रही है, उस रिपोर्ट में किसकी लापरवाहियां तय की गई हैं। फिलहाल अब इस मामले में जिस तरीके से 3 शूटरों को गिरफ्तार किया गया है उनसे भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक कुछ खास सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरीके से 3 हमलावरों से पूछताछ हो रही है तो इन हमलावरों के द्वारा जो पूछताछ में क्या कुछ आका का नाम सामने आएगा, क्योंकि जिगाना पिस्टल का मामला सामने आने के बाद सुंदर भाटी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी नाम सामने आने लगा था। फिलहाल क्या इन लोगों से भी इनका कनेक्शन है, ये अभी सामने नहीं आया है। फिलहाल इस पर पूरे मामले की रिपोर्ट भी SIT जांच कर रही है और जांच के बाद क्या कुछ सामने आएगा ये भी आपको भी मालूम होगा। फिलहाल इसमें जिम्मेदारी किसकी तय होगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मोहम्मद कलीम, Prime TV, लखनऊ। लखनऊ में जन कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष समाज सेवी विवेक शर्मा आज बिजली कर्मी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे। वहां समाज सेवी विवेक शर्मा ने वृंदावन योजना स्थित एक निजी अस्पताल में पीड़ित बिजली कर्मी से मुलाकात की। अस्पताल पहुंचकर विवेक शर्मा ने पीड़ित से बात की और उसका हाल जाना। आपको बता दें कि बिजली घर में काम कर रहे कर्मचारी करंट की चपेट में आ गया था, जिससे उसका हाथ और पैर बुरी तरह से जल गया था। समाज सेवी विवेक शर्मा ने अस्पताल में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उस मजदूर के उपचार के लिए आर्थिक मदद की और भरोसा भी दिलाया, आगे उनकी मदद की बात भी की। कोई अधिकारी मौके पर था जब ट्रांसफार्मर का वहाँ जो लॉक होता है दरवाजा खोला गया, तो कोई अधिकारी मौके पर था? सर अधिकारी नहीं थे, कर्मचारी थे हमारे साथ, वो मीटर लगाने चले गए थे सर। यही वहाँ पर थे कि नहीं थे? सर थे। तो लाइट कैसे जब शटडाउन था तो कैसे लाइट आई? सर कैसे आ गई कि चालू हो, बस होनी थी मुझे बस। और कुछ नहीं, कोई अधिकारी यहाँ आया? हाँ सर, अधिकारी हमारे SP साहब, SM साहब, सभी।
बदायूं में दो पक्षों के बीच बचाव में युवक की जान चली गई। बता दें कि युवक की मारपीट हत्या कर दी गई और युवक की हत्या के बाद लोगों में दहशत का माहौल है वहां पर और हमलावर मौके से फरार हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूरा मामला बिलसी कोतवाली क्षेत्र के गाँव ढूंढवर गाँव का है। वो आपस में झगड़ा चल रहा था, ये गया बीच बीच में तो ऐसे चोट मार दी, इसके लगी चोट, वो जान के भी मारा था चोट, क्या मारना बीच बिछाव में, बीच बिछाव में चोट इसके लगी है झगड़ा। हाँ अभी पुलिस आ गई सर, मुकदमा लिखा जाएगा क्या? कौन सा गांव है ये? धड़ूमर है। कहाँ के रहने वाले हैं ये? चमरपुर आए, हमूपुर चमरवा थाना। हरदोई में पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा किया है। नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक आरोपी को भारी मात्रा में अवैध शस्त्र के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी अवैध असलहों का प्रयोग कर नगर निकाय चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा में था। इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उनमें पहले से ही अपराध एवं अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जो अवैध शराब बनाते हैं, अवैध शस्त्र लेकर चलते हैं एवं अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाते हैं, उनके विरुद्ध अभियान छेड़ा गया है, जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी वसी और शाहबाद के नेतृत्व में थानापाली की पुलिस टीम द्वारा आज ये हरिसेवक नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वो पहले भी शस्त्र फैक्ट्री बनाने के जुर्म में दो बार जेल जा चुका है। गैंगस्टर उसके ऊपर कायम रहा है और पुनः यह कार्रवाई करते हुए पकड़ा गया है। उसके पास से तीन बने हुए तमंचे, तीन आधे बने हुए तमंचे। फिरोजाबाद में पुलिस ने नारकोटिक्स टास्क फोर्स के साथ चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय मादक तस्कर गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3,50,00,000 के गांजा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 कार, 7 मोबाइल तथा 7,200 नगद रुपए भी बरामद किए। थाना टूंडला के पुलिस द्वारा एक संयुक्त ऑपरेशन में अंतर्राज्यीय मादक द्रव्य की तस्करी करने वाले 7 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 7 क्विंटल 67 किलोग्राम गांजा की बरामद की गई है। इसके अतिरिक्त इनके पास से 1 ट्रक, 2 कार, क्रेडिट कार्ड्स तथा 7200 रुपये नगद बरामदगी की गई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 3.5 करोड़ कीमत बताई जा रही है। टीम द्वारा ये बहुत अच्छा गुड वर्क किया गया है। निश्चित रूप से इस तरह के जो कार्य करने वाले लोग हरदोई में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते 10 झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। इसके साथ ही गृहस्थी में रखी नकदी और लाखों की ज्वेलरी जलकर खाक हो गई। फिलहाल आग लगने का कारण पता नहीं चल सका है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।